हाल ही में उत्तराखंड आजाद भारत का पहला यूसीसी धारक राज्य बन चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी विधेयक बिल यानी समान नागरिक संहिता विधेयक बिल पारित हो गया है। लेकिन एक सवाल कि आखिर समान नागरिक संहिता होती क्या है और ये कैसे सभी धर्मों को एक बनाती है, तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया। दो दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश भी की थी, उसका यह प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज हो चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल से समाज का भेदभाव, कुरीतियां इत्यादि खत्म हो जाएंगी। कहा कि इस कानून में संशोधन की भी गुंजाइश होगी। पास होने के बाद अब बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जहां से मोहर लगने के बाद ये कानून राज्य में लागू हो जाएगा। सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। लेकिन इसी बीच एक सवाल कि आखिर ये यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता होती क्या है, तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में समझाया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक कानून, समान कानून होगा। यानी मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग अलग कानून एक तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसी अनुच्छेद के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। इसके पीछे जनसंख्या को बिगड़ने से रोकना और जनसांख्यिकी को नियंत्रित करने के लिए तर्क दिए जाते हैं, यानी इससे जनसांख्यिकी को नियंत्रित किया जा सकता है। ये मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी ने इसे हमेशा अपने प्राइमरी एजेंडे में शामिल किया है। बीजेपी 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया और उत्तराखंड भी पहला राज्य बन चुका है। बीजेपी सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था। आइए जानते हैं कि यूसीसी क्या है। तो बता दें कि विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम रखेगा ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही नहीं, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता, जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों पर समानता रखेगा ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एवं सभी धर्मों के लिए समान नियम और कानून रखता है समान नागरिक संहिता। बता दें कि सिविल कोड की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। विशेष रूप से सिफारिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण के बाहर रखा जाए। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। एक कारण ये भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रक्रिया बिगड़ जाती है और उसकी प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अंबेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब ये कोड बनाया जाएगा तो ये उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल,
शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग है। यूसीसी के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले शामिल होते हैं। हर धर्म में शादी तलाक के लिए अब एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी होगा। अब बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा भी नहीं होगा। अब ये सभी चीजें समान नागरिक संहिता के ही अनुसार होगी। अब ये बात भी है कि जैसे ही समान नागरिक संहिता का नाम आता है लोगों के मन में थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता से क्या क्या परिवर्तित नहीं होगा। यानी आप डर रहे होंगे कि आखिर यूसीसी कहीं नुकसानदायक तो नहीं है। तो आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही धर्म रीति रिवाज पर इसका असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे, कराएंगे वही, सारे काम वही होंगे जैसे पहले होते हैं, बस नियम और कानून थोड़े थोड़े बदल जाएंगे। साथ ही खान पान, पूजा इबादत, वेशभूषा पर भी कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी सीधी सी बात यह है कि समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों को समान नियम पालन करने के लिए कहता है, जिसमें शादी, विरासत, तलाक एवं गोद लेने जैसे मामले शामिल है। यानी डरने की कोई बात नहीं है, ये आपके हित के लिए ही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।